भैया यूपी आए और पान न खाया तो क्या किया। तो आज हम लोग अगर गोरखपुर आए हैं तो किसी पान की दुकान में आना कैसे भूल सकते थे। तो हमें बताया गया कि गोरखपुर का हार्ट जो है वो इंदिरा बाल विहार है। यहाँ पर एक दुकान है वो 50 साल पुरानी है, पान की दुकान, और यहाँ पर हर समय भीड़ लगी रहती है। यहीं पर रोज़ शाम को लोग जो है इकट्ठा होते हैं और राजनीतिक चर्चाएँ करते हैं, सरकार बनवाते हैं, सरकार गिरवाते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसी जगह हम जाने से कैसे चूक सकते हैं, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। पहले तो ये पान की दुकान देखिए, भाई साहब से मिलते हैं। जी पिंटू जी, थोड़ा साइड में आइए भाई साहब। जी पिंटू जी, कब से चला रहे हैं दुकान? दुकान को तो 50 साल हो गए होंगे। 50 साल हो गए, पहले कौन बैठता था? आप तो 50 साल के लगते नहीं है। पिताजी बैठते थे। पिताजी बैठते थे। तो आपकी दुकान पर बताते हैं कि सुबह शाम लोग जमा रहते हैं, राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप बातचीत करते हैं कभी उनसे? बात कर लेते हैं कभी काल, फुर्सत रहता है तो। क्या मूड लग रहा है इस बार गोरखपुर का? गोरखपुर का जी, गोरखपुर का तो बीजेपी ही लग रहा है। बीजेपी ही लग रहा है। अच्छा, पान के बारे में थोड़ा सा बताइए अपने, क्या है पान में खास? पान में बस कत्थे की क्वालिटी अच्छी है और शादी पत्ती की क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, तो पान मतलब कितने तरीके के बनाते हैं आप? पान बस सादा, मीठा और जर्दा। सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है गोरखपुर के लोगों को, क्या पसंद है? जर्दा। जर्दा। तो ये तो गोरखपुर के पान का मिजाज हो गया, जर्दा वाला ज्यादा खाते हैं लोग। अब राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी एक भीड़ जमा हुई है, तो अब बात करते हैं पहले इन भाई साहब से। आप कहाँ से आए हैं? ये गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से ही है। राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अच्छा, किस पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी के तो 5 बार से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ जी, अब की बार वो सीएम बन गए हैं, तो अब उपेंद्र शुक्ला जी आए हैं। सामने से एक मजबूत गठबंधन सामने आ गया है बुआ भतीजे का, क्या लगता है कितना कारगर होगा? नहीं, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का विकास का कार्य और यहाँ पर मंदिर के प्रति प्रेम अगाध है लोगों का। उपेंद्र शुक्ला भारी से भारी मतों से जीत कर जाएंगे। मगर जीतेंगे भारी बहुमत से, मगर जो एक कास्ट इक्वेशन की यहाँ बात होती है उस लिहाज से भी ऐसा लग रहा है, मतलब तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि इस बार मामला जो है टक्कर का है, क्या लगता है ऐसा है? कास्ट की बात अब भारतवर्ष से खत्म हो चुकी है, अब भारतवर्ष में विकास की बात होती है, भारतवर्ष में हिंदुत्व की बात होती है जी। तो ऐसे में किसी से कोई टक्कर ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो भाई साहब इन्होंने बताया कि कोई टक्कर नहीं है। जी आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। आप गोरखपुर से? हाँ। जी आप मतलब किसकी बात करते हैं, किस पार्टी से? तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा, तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे यहाँ का क्या सिनेरियो चल रहा है? यहाँ का सिनेरियो चल रहा है भाजपा के पक्ष में चल रहा है। अच्छा, भाजपा पूरी तरह से लीडिंग कंडीशन में है। जो गठबंधन बना हुआ है वो गठबंधन नहीं, एक मतलब मान लीजिए कि ये ठग बंधन कहा जा सकता है उसको। अच्छा, और यहाँ की जनता, यहाँ की लोकल जो जनता सब जानती है, समझती है कि किसको वोट देना है, कैसे किसको जिताना है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है सुरेता करीम है और सपा की तरफ से जो है उनका लाइन से सपा बसपा समर्थन का प्रवीण निषाद है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए सुरेता करीम जी तो समझ लीजिए कि मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी है लेकिन कहीं से लड़ाई में नहीं है। अच्छा, और प्रवीण निषाद को कोई जानता नहीं है, नया नाम है तो उनका पार्टी में ही विरोध है, तो मतलब भाजपा की कहीं से कोई लड़ाई है नहीं है जी। हाँ, आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? यहीं से, गोरखपुर। आप भी गोरखपुर के ही हैं। तो गोरखपुर में जो अब चुनाव होने जा रहे हैं 11 तारीख को, क्या लग रहा है क्या रहेगा इस बार? भाजपा के पक्ष में रहे। भाजपा के पक्ष में ज्यादातर लोग भाजपा के पक्ष में ही दिख रहे हैं। सब लोग भाजपा ही वाले हैं क्या यहाँ पे? जी जी भाई साहब आइए आइए। अच्छा, आप कांग्रेस समर्थक हैं? कांग्रेस समर्थक नहीं है। जी जी, उनकी नीतियों के समर्थक हैं। अच्छा, आप लोग उसकी नीतियों के समर्थक हैं। तो क्या नीतियां हैं जो लगता है कि इस बार चुनाव में वो टक्कर दे सकते हैं भाजपा को या फिर सपा के कार्यकर्ता जो जी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और इन सभी प्रत्याशियों में हमारी जो कैंडिडेट है सुरेता करीम जी, वो शिक्षित पार्टी के, अरे तो कार्यकर्ता तो ये भी हैं आपकी सुरेता करीम भी है, पिछली बार मेयर का चुनाव लड़ी हार गई जी, टक्कर में वही थी, मेन टक्कर में वही थी, कुछ हार जीत तो लगी रहती है इसकी बात नहीं आप कीजिए, पर हमारी कैंडिडेट बेहतर कैंडिडेट है। आप बताइए सुरेता करीम क्यों आपको ठीक लग रही है? देखिए हम इनके मत से अब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, आपको जो लगता है वो अपनी राय दीजिए, इनके मत समझ दीजिए। मैं अपनी ही राय पे आ रहा हूँ। देखिए सही है कि वो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, अब उनका बैकग्राउंड भी ठीक है, लेकिन चूंकि अभी आपने अन्य लोगों का मत सुना है, गोरखपुर धीश्वर की श्रद्धा के साथ साथ मंदिर से भी हम लोग
लगाव है, श्रद्धा है। और ये सीट जो है परंपरागत जो है पूज्य महाराज जी का ही है, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय से ही। तो हम 1 से 11 हो सकते हैं लेकिन 1 से 0 नहीं हो सकते हैं, सीट हम निकलेगी। और हर राजा का एक उत्तराधिकारी होता है, तो इस राजा का भी एक उत्तराधिकारी है, अब इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उपेंद्र शुक्ला प्रत्याशी जरूर है भाजपा के, गोरखपुर चलाएगा कौन असलियत में ये भी बता दीजिए, आप लोग क्या सोचते हैं? योगी क्या नाम है आपका? नीरज कुमार शाही। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। कहाँ पे? फार्मा में, गोरखपुर फार्मा में। तो आप जो है, आपकी उम्र क्या है? 30 साल है, आप नौजवान है, आप बताइए क्या सोच रहा है गोरखपुर का नौजवान? क्या बस योगी जी गोरखपुर को गोरखपुर बना दें और क्या। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिखा तो नहीं, रोडों पे रश भी काफी दिख रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है कम दिख रहा है, क्यों योगी क्यों पसंद आ रहे हैं आप लोग? 11 महीना में क्या कर देंगे, अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया है ना, अभी 5 बार से सांसद थे वो। जी 4 साल में कुछ नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र प्रकाश राय नाम है मेरा, गोरखपुर के ही है आप। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? जैसे मोदी जी 4 साल में कुछ नहीं कर पाए देश के लिए, लालीपाप दे के चले गए, वैसे योगी जी 11 महीने 10 महीने में केवल गोरखपुर में शौचालय बनवाए हैं। और आप कह रहे हैं कि गोरखपुर के लिए अभी योगी ने ना केंद्र ने कुछ किया है और ना ही योगी ने अभी प्रदेश सरकार ने कुछ किया है। 10 महीने में एक शौचालय आप घूम के गोरखपुर में देख लीजिए, केवल शौचालय आपको दिखाई देगा। अच्छा, और सांड दिखाई देंगे आपको गाँव में जाएंगे तो सांड दिखाई देंगे और शहर में आएंगे तो शौचालय आपको दिखाई देगा। क्या सब लोग का यही मानना है कुछ नहीं हुआ गोरखपुर में? सही बात है। देखिए हम बता दें अपनी मत बता मैं बड़े भाई, देखिए महाराज जी के प्रति हमारी आस्था है, समय दीजिएगा, पूज्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंदिर के मठाधीश हैं, तो साथ साथ ही प्रदेश के राजा हैं। लेकिन पिछले 2.5 सालों में अगर मैं पूर्व के मुख्यमंत्री की तुलना करूं, तो यह मुख्यमंत्री अपने शहर के लिए पूज्य महाराज जी ने कुछ नहीं किया है। अगर यही महाराज जी चले जाए आजम खान साहब के क्षेत्र में, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए वो अपने नगर को नाली और चिकित्सा और हर चीज से, पूज्य महाराज जी को शायद नहीं मालूम है कि गोरखपुर चिकित्सालय में एक सर्जन महिला अगर है तो रात को सर्जरी नहीं किसी महिला की करती है, उसको हटा दिया जाता है कि दूसरे अस्पताल में नर्सिंग होम में जाइए। अच्छा, इस राज महाराज जी को नहीं मालूम है। देखिए बात, मैं महाराज जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये गोरखपुर का कोई विकास नहीं हुआ, जहाँ भी गड्ढा खोदा गया है वो गड्ढा अभी तक पटा नहीं है। और महाराज जी जो है ठीक है, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अष्टभुजा शुक्ला जी, आप गोरखपुर के ही हैं, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि गोरखपुर में 25 साल से सांसद हैं योगी जी, और 1.5 साल होने वाला है CM हो गए, मगर गोरखपुर में वो विकास नहीं हो पाया जो उनके रहते होना चाहिए था, क्या जवाब है? 25 कांग्रेस पार्टी के जमाने से 25 वर्षों से बंद पड़े खाद कारखाने को चलवाने का काम योगी जी ने किया है। इस पूर्वांचल में नहीं, उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना का काम गोरखपुर में हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है, और 1000 योजनाएं गोरखपुर में चल रही हैं, और पिपराइच में बंद पड़ी 2500 साल से चीनी मिल चालू हो गई, अभी शिलान्यास हो चुके होने जा रहे हैं, उसकी तो आप लिख नहीं पाएंगे, कोई बार तो आप लिख नहीं पाएंगे, नोट अगर नोट करना शुरू करेंगे 24 घंटे लग जाएंगे, इतने काम यहाँ गोरखपुर में स्वीकृत हो चुके हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो गया, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो गोरखपुर की जेल से लगाए, तो विभिन्न जेलों में हैं, ये अपराध खत्म हो चुका है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में उत्तर प्रदेश देश में इस समय ना दूसरे नंबर पे चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो अब ये तो इतनी तारीफ कर रहे हैं आप, कर रहे हैं कुछ हुआ नहीं, क्या है दिखाई दे रहा है कुछ? जैसे जैसे योगी जी का नहीं, मोदी जी का नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे योगी जी का नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई आपको? आपको कुछ दिखाई दिया गोरखपुर में? देखने से क्या होता है, आप लोग लेने वाले हैं, वोट आपको देना है, आप तय करेंगे। वोट का समीकरण अगर देखा जाए तो ऐसे ही निशा जीत गए हैं। कैसे जीत गए, समझाइए हमें, समझाइए कैसे? 2.5 लाख हरी सवाल है आपसे, बताइए। अगर आप इम्तिहान में बड़ी अच्छी तैयारी किए हैं, आप 12 घंटे डेली पढ़े हैं, तो फिर आपको फेल होने का डर क्यों सता रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? मैं योगी जी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? 25 साल से सांसद हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 11 महीने ने आप हमारे पूरे विकास की विकास धारा गोरखपुर में बहा दिए, और आज आपको 20 जनसभाएं इस गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में करनी पड़ रही है। इसका मतलब तैयारी करने का परीक्षा है, एक एक करके बात करिए, एक एक करके करिए ताकि लोगों को समझ में आए। प्रोटोकॉल होता है, उसके पद की एक गरिमा होती है, एक ऑफिस में जो है बॉस भी होता है, चपरासी भी होता है। अब चपरासी का काम बॉस से कराएंगे या बॉस का काम चपरासी से कराएंगे, आप बताइए।
नेता खुद तय करेगा ना जी। तो आप खुद सोचिए, योगी जी एज ए सांसद, स्वयं सांसद रहते हुए, योगी जी अपने सांसद रहते हुए प्रत्याशी के रूप में जितनी सभाएं करते थे उसका दसवां हिस्सा भी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बाद में है, पहले गोरखपुर के एक नागरिक है, गोरखपुर के सांसद रहे हैं, तो सभाएं कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अब वो कह रहे हैं वो गोरखपुर के प्रतिनिधि रहे हैं 25 साल तक, अगर वो जनसभाएं कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? 17 जनसभा करना पड़ रहा है, इतने डरे हुए हैं कि 17 जनसभा करना पड़ रहा है गोरखपुर में, और अखिलेश यादव, और इसके बाद ग्राम प्रधान जी का भी चुनाव हो रहा है, उसमें भी जनसभा करना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि अभी तक तुम्हारी 16-17 महीना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत विकास किया, पुल वगैरह बनवा दिया, लेकिन जब ये 25 साल सांसद थे तो इनका जो सांसद निधि आता था उसका 55% वापस हो जाता था, वो अपने विधायक और पार्षदों से काम करवाते थे अपने नगर में। आप बताइए इसका क्या जवाब आपके पास? इस बात ऑन पेपर आप मांग सकते हैं लोकसभा से, ऐसा है जैसे नगर निगम गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम आबादी नगर निगम है, नगर निगम खुद में एक कार्यदायी संस्था है, वो अपना काम कराएगी, उसके सांसद की जब जरूरत ही नहीं है। सांसद निधि क्यों जा रही थी वापस? प्रोजेक्ट होने चाहिए, सांसद निधि का काम गोरखपुर में 5 विधानसभाएं भी आती है नगर निगम के अलावा, तो वहाँ पे भी आप बताइए, आप बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, आपका सारा निधि वापस चला जा रहा है, किस बात का डेवलपमेंट है बताइए? अब आप कह रहे हैं बहुत विधानसभाएं हैं, 9 है टोटल, 9 में 8 जीत गए, 1 हारे खारे चिल्लू पार, तो ऐसा क्यों वोट क्यों देते हैं आप लोग? 2000 वोट से हारे हैं, वो भी हम ही जीत रहे थे, दो अंतिम राउंड के दो काउंटिंग में मात्र 22 वोट से हम चुनाव हारे हैं, नहीं तो 9 के 9 विधानसभा हम जीत रहे थे। 22 में तो पता चलेगा ना सर। देखिए सर, अगर किसी ने गोरखपुर का डेवलपमेंट किया है तो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, जिस जगह पे आप खड़े हैं ये भी उन्हीं की बनाई है, 25 महीने के अंदर जो उन्होंने जो करके वो चले गए वो अगले 25 सालों में कोई नहीं कर पाएगा, ये जान जाइएगा। अगर 25 सालों में योगी जी कुछ कर नहीं पा रहे तो गोरखपुर की जनता जिता क्यों रही बार बार? क्या देते हैं? क्योंकि मंदिर का आस्था है, पूज्य महाराज जी मठाधीश है, मंदिर पीठाधीश्वर है, इसलिए आस्था है। अगर मंदिर में अगर योगी जी कर, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि परीक्षा में हमको तैयारी करना है, तभी एक जनसभा में पूज्य महाराज जी ने कहा है कि ये माननीय शुक्ला जी का चुनाव नहीं, ये योगी आदित्यनाथ का चुनाव है, क्यों कहना पड़ा है? भाई मेरी बात कही, क्यों कहना पड़ा है? आपका लड़का सूर है, वीर है, उसके बाद तलवार आप निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो कृष्ण नारायण शर्मा है जी। क्या कह रहे हैं बताइए आप? हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये तो अच्छी बात है, तो निष्पक्ष बताइए क्या सोच रहे हैं गोरखपुर आप? गोरखपुर में योगी जी को हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलता है जी, ठीक है, आगे बताइए। मंदिर के प्रति श्रद्धा है इसलिए वोट मिलती है, और यह भारत का दुर्भाग्य है, पूरे भारत की बात मैं बता रहा हूँ, यह विडंबना है कि जब भी चुनाव आते हैं तब मामला जातिवाद और संप्रदायवाद पर चला जाता है, मंदिर मुद्दा हो जाता है, गरीब की थाली वैसी की वैसी है, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, इस संदर्भ में किसी सरकार ने आज तक कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया है, यहाँ तक कि हमारी आधारभूत जो संरचना है, जो हमारी बेसिक इंस्ट्रक्चर है, वह भी नहीं सुदृढ़ हुई है, ठीक है। चलिए ये सब तो ठीक हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप ये बताइए गोरखपुर के बेसिक मुद्दे क्या हैं? जी बेसिक मुद्दा क्या है? मैं राजेंद्र नगर पश्चिमी में रहता हूँ, साकेतपुरी कॉलोनी है, ठीक है, और वहाँ पे एक ज्यादा 40 मीटर का सड़क है, पूरी तरह से ध्वस्त है, ठीक है, उस पर किसी नेता का, जबकि हमारे ऊपर से ही हेलीकॉप्टर आता है योगी जी का, दिखाई नहीं दिया, देखना चाहिए उनको, जमीन पर आना चाहिए, जबकि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ये, ठीक है। सर एक समय में दो बताइए, महाराज जी जब सांसद थे तो इस शहर में बरसात में जब नगर निगम के द्वारा किसी के कारण हम भी कसूरवार हैं, हवा में झाड़ू लगा फेंक देते हैं, महाराज जी पैदल चलते थे, लोगों की समस्या सुनते थे, ठीक है, महाराज जी पल पल की खबर रखे हैं, क्या महाराज जी को नहीं मालूम कि फला जगह फला गंदगी है, प्रोटोकॉल है उनका, सम्मान है भाई, वो राजा हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बात है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, तो कहते हैं बजट में कि 2.5 गुना हम किसानों को वृद्धि करेंगे, उनका विकास करेंगे, और किसी नेता और विधायक का तो 5 गुना में 50,000 5 साल में 50,000 गुना हो जाता है, क्या किसान 1 मिनट
किसान जब उठता है तो देखता है कि मेरा सूरज कितना तेज है, मेरा फसल कितना जलेगा। वो किसान जब जलता है तो मोदी जी 12,000 किलो का रोटी खाते हैं, लेकिन अन्न कोई नहीं देखता है। हाँ, किसी विधायक का है तो एक बार 475 हाथ उठे तो पेंशन होना चाहिए। आप नौकरी करते हैं आपको पेंशन नहीं मिलेगा, 2002 के बाद पेंशन बंद है, लेकिन अगर 40 साल या आप 98 के बाद अगर नियुक्ति किए हैं तो आपका डीए और टीए बढ़ता है 1%, और एक पूर्व एक वर्तमान का सांसद का टीए डीए मिल के वर्तमान का 5 लाख महीना और पूर्व का 50,000 रुपया एक तनख्वाह बढ़ाने में उनको परेशानी होती है। किसान को लोग जला काट दिए हैं। अच्छा ये बताइए, सुनिए कांग्रेसाई का ही सुनिए, देखिए मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराज जी, मैं पूज पीठाधीश्वर का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राजा का विरोध कर रहा हूँ जिसकी मैं प्रजा हूँ, और प्रजा का अधिकार होता है राजा का विरोध करना। आप क्या कह रहे हैं बताइए? जो पेंशन रोकने की बात कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, 2001 कांग्रेस की सरकार थी, न उसमें मोदी थे न योगी थे। चलिए कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने किया था, चलिए ठीक है, मगर आप ही बताइए, आप तो आपकी सरकार है केंद्र में, आप करिए ना सरकार। गोरखपुर में विकास की बात बता दूं, 25 साल से माननीय सांसद जी, जब गोरखपुर में देखना हो विकास तो आप आ जाइए, बरसात के मौसम में आप आ जाइए, बरसात के मौसम में आ जाइए, योगी जी सांसद मेयर उनका और विधायक उनका, इतना पानी ठेऊना तक पानी आप मतलब शहर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट के बारिश में आप शहर से निकल नहीं पाएंगे, यही विकास है। मौका ना मिला, मौका अभी बड़े लोग भाइयों ने कहा कि विकास हुआ, पुल का विकास हुआ, हम पुल पर नहीं चढ़ते हैं, लेकिन गंगेश होटल से गुजर के जब गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं तो बाबीना के पास 8 से 10 फुट की गहराई खोद के विभाग ने छोड़ दिया है, अगर रात को पानी बरस जाए तो 2 आदमी उसमें गिर के मर जाएंगे। क्या महाराज जी को रोड नहीं ठीक कराना चाहिए, पुल देखना चाहिए? और जिला अस्पताल में सर्जन नहीं है, शायद पूज्य महाराज जी को नहीं मालूम है कि जिला अस्पताल में महिला सर्जन नहीं है। उन्होंने कभी शिकायत की? राजा से कौन शिकायत करेगा जब सिपहसालार ही गड़बड़ है, जाने पर कोई मिलने ही नहीं देता है। अच्छा ठीक है, और अब महाराज जी मिलते भी हैं तो उन लोगों से कि यहाँ कौन है, कौन है बताते हैं कि लोगों से अक्सर मिलते रहते, कल ही आज खबर छपी है कि 150 लोगों से मिल के गए। मेरी बात अब सुन लीजिए, पेपर में जो छपता है वो सही नहीं होता है, वो 2-4 लोगों से महाराज जी मिल के फोटो पब्लिसिटी हो जाता है, 5 की संख्या में 50 हम दिखा देते हैं, कितने मर के वहाँ चले जाते हैं, काम नहीं होता। घर में मिट्टी गिराने पर पुलिस वाले कितना बता दे रहा हूँ, 1 साल हो गया न बालू मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, सारे गरीब मर रहे हैं खाने बिना, कहीं आप कंस्ट्रक्शन नहीं देखेंगे यूपी में, और 125 से 130 रुपया फीट फीट बिक रहा है फुट बालू, जो 40 जो आम आदमी की जरूरत है घर नहीं बन पा रहा है, और पता नहीं कैसे यहाँ सड़क बन जा रहा है, खदान पे रोक है, खनन पे रोक है, और सारी सड़कें बन रही है, लेकिन गरीब के यहाँ घर बनवाना है तो मिट्टी नहीं गिरेगा उसके यहाँ, मिट्टी गिरने के लिए 250 पुलिस वाला लेता है और 250 रुपया टाली वाला लेता है, तब आपके घर में मिट्टी गिरता है, रात भर आप मिट्टी गिरवाई लेकिन एक टाली पे 250 रुपया आप तय कर लीजिए, पुलिस वाले को दे दीजिए, उसके बाद गिरवाते रहिए पूरी रात। छोटी सी बात मेरी और सुन लीजिए, पूज्य महाराज जी नगर निगम के पदना सदस्य रह चुके हैं, ये नियम है हर नगर निगम का, महाराज जी को शायद मालूम होगा कि 90 करोड़ की वसूली है नगर निगम की, 90 करोड़ की, अगर वो बजट न नगर निगम को दें तभी नगर निगम अपना पेट पाल सकता है, शहर की सफाई कर सकता है, लेकिन इनके ही कुछ अपने लोग हैं जो दीमक की तरह महाराज जी को चाट चुके हैं, ये हकीकत है, आने वाले समय महाराज जी को पता चलेगा। जी अच्छा, ये तो गोरखपुर की जनता की तमाम नाराजगी भी है वो भी समझ में आ रही है, आप बताइए, आप आइए इधर, क्या नाम है आपका? नदीम नाम है। नदीम जी, जी तो गोरखपुर का जो मूड है आपकी बार वो समझाइए, क्या है आपकी नज़र से? जो है वो सामने आना ही आना है। तो आना ही, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम भी देख रहे हैं। आप अपना बताइए, क्या है? क्या बता दें हम आप, क्या मिजाज है, आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? हम तो साइकिल पे वोट दे रहे हैं। साइकिल के वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बस ऐसा ही, अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच। विकास की वजह से? क्या विकास, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जो अखिलेश यादव ने पिछली सरकार में किया है बहुत सा किया, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। अच्छा, तो विकास तो गायब हो गया, विकास गायब हो गया, विकास को खोजा जा रहा है, कहाँ खोजा जा रहा है? अरे जहाँ राहुल गांधी झूला, आप अरे वो तो दिखाई दे, गोरखपुर की जनता विकास देख रही है और गोरखपुर जनता समझ रहे, इसका जवाब 11 तारीख को देगी और बैलेट के माध्यम से 14 को पता चलेगा। देखिए उसकी क्या बात है, जनता तो 25 साल से भाजपा को यहाँ जिता रही है, नगर निगम में जिता रही है विधायक को, और अगले 25 साल और
मिटाएगी, लेकिन जो गोरखपुर जैसे था वैसे रहेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होना। तो ये है गोरखपुर की जनता का मिजाज, तमाम नाराजगी भी है और कुछ लोग खुश भी दिख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि 25 साल से जो है गोरखपुर के सांसद रहे योगी जी, तो तमाम जो है दिक्कतें परेशानियां होंगी वो लोगों ने यहाँ पे खुलकर जाहिर की, जो मुझे उम्मीद कमी थी। अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।